सकते हैं, ये सारथी ई रिक्शा है। जैसे कि इस गाड़ी के अंदर में ये फॉल्ट था, बहुत सारे मिस्त्री को दिखाया, बल्कि ये इसकी फॉल्ट ना पकड़ पाई, ये गाड़ी वाले बार बार इसका कंट्रोलर ये जला रहा था। 48 वोल्टेज आ रहा था गाड़ी के अंदर में, तो ये देख सकते हैं हमने इसकी वायरिंग निकाले, बहुत सारे मिस्त्री को बोला कि ये जो है इसकी वायरिंग चेंज होगा ये गाड़ी को, और चेक करने के बाद फिर मैंने जहाँ फॉल्ट था उस फॉल्ट को पकड़े। ये सारथी ई रिक्शा है, इसका बार बार इस तरीका से कंट्रोलर जल रहा था कि मानो आग लग गया, कोई आग लगा दिया इसके अंदर में। सूखी हुई बैटरी जो है लिथियम बैटरी, और मैं ये बैटरी का कनेक्शन हटा करके ये फॉल्ट यहाँ था। ये ई रिक्शा का कंट्रोलर है जो कि स्मार्ट कंट्रोलर है, ये स्मार्ट कंट्रोलर है, इसका बॉडी शॉर्ट था। अब्दुल नाम का मिस्त्री है, अब्दुल एबी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये सारथी ई रिक्शा है, जैसे कि इस गाड़ी के अंदर में ये फॉल्ट था, बहुत सारे मिस्त्री को दिखाया, बल्कि ये इसकी फॉल्ट ना पकड़ पाई, ये गाड़ी वाले बार बार इसका कंट्रोलर ये जला रहा था, जिसकी मेन वजह था कि गाड़ी के अंदर में 48 वोल्टेज आ रहा था गाड़ी के अंदर में। तो ये देख सकते हैं हमने इसकी वायरिंग निकाले, बहुत सारे मिस्त्री को बोला कि ये जो है इसकी वायरिंग चेंज होगा, लेकिन कोई इन्हें बताया कि अब्दुल सर के पास चले जाओ, उसका जो स्टूडेंट है वो सही कर देंगे आपकी गाड़ी को। तो देख सकते हैं मैंने इसकी पूरी वायरिंग निकाले बाहर, फिर मैं मीटर से इनका चेक किया गाड़ी को, और चेक करने के बाद फिर मैंने जहाँ फॉल्ट था उस फॉल्ट को पकड़े। ये गाड़ी बिल्कुल नहीं है, ये देख सकते हैं इसका नंबर प्लेट भी अभी नहीं आया है, ये सारथी ई रिक्शा है। तो इसका बार बार इस तरीका से कंट्रोलर जल रहा था कि मानो आग लग गया, कोई आग लगा दिया इसके अंदर में, इसलिए आग लग रहा था कंट्रोलर के अंदर में, क्योंकि इसमें 48 वोल्ट बॉडी के अंदर में आ रहा था, और इसमें 48 वोल्ट आ रहा था, वो वोल्ट हम बिल्कुल भगा दिए। ये देख सकते हैं इनकी बैटरी है, सूखी हुई बैटरी जो है लिथियम बैटरी, और मैं ये बैटरी का कनेक्शन हटा करके ये फॉल्ट यहाँ था, इसका फॉल्ट मैंने यहाँ पे टैप लगा दिए, और इसकी पूरी वायरिंग देख लिए। ये देख सकते हैं इस तार से, हम इस तार के मदद से मैंने फॉल्ट पकड़े कि कहाँ पे फॉल्ट है इसका। तो अब्दुल ईबी टेक्निकल में आप बने रहिए और देखिए, इसका मैं चालू करके आपको दिखाऊंगा, और वोल्टेज भी नाप के आपको वोल्टेज जो है इसका नाप के मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इसका नंबर प्लेट अभी तक नहीं आया है। ये आया है बंदा बहुत लंबे दूर से आया है दिखाने के लिए मेरे पास गाड़ी, तभी हम इसको लगा करके आपको चालू करके दिखाएंगे, तो आप बने रहिए। तो ये देख सकते हैं ई रिक्शा, अभी हम कंट्रोलर मोटर फिट करते हैं, फिर उसके बाद चला करके आपको दिखाते हैं। अब्दुल ईवी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये ई रिक्शा का कंट्रोलर है जो कि स्मार्ट कंट्रोलर है, ये स्मार्ट कंट्रोलर है, इसका बॉडी शॉर्ट था, इसको कोई बहुत दूर से आया है, ये बंदे 40-45 किलोमीटर से आया है दूरी से, और इसको कोई बताया था अब्दुल सर का वहाँ पे है रिक्शे का काम करते हैं, आप वहाँ जाओ, वहाँ गाड़ी को दिखाओ, गाड़ी एकदम टनाटन ठीक हो जाएंगे। तो ये भाई साहब का गाड़ी में बॉडी शॉर्ट था, हमने बॉडी शॉर्ट भगा दिए हैं, मैं आपको चला करके दिखाता हूँ, आप बने रहिए। ये देख सकते हैं इसका सेंसर का तार है, ये सेंसर का तार यहाँ टैप मार दिए थे ताकि नीचे बार बार ये गिर जा रहा था, तो अब हम सेंसर का तार लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको चालू करके दिखाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट कंट्रोलर है, ये इसको मैंने पहले भी एक बार रिपेयर करके दिए थे, और इस तरीका से ये कंट्रोलर जला था कि जिसका जवाब नहीं, कोई भी पार्ट पुर्जा इसके अंदर में नहीं बचा था, हमने कंट्रोलर देख के ही बोल दिए थे इसको, भाई साहब आपकी गाड़ी की बॉडी शॉर्ट है और बॉडी में 48 वोल्ट आ रहा होगा। तो ये मिस्त्री को दिखाया, तो मिस्त्री बताया कि इसे कि वोल्टेज आ सकता है, कोई बात नहीं, चाबी लगाना गाड़ी में, तो मिस्त्री बताया वोल्टेज आ सकता है, आपको। अब यहाँ पे देखते हैं बॉडी शॉर्ट भगा कि नहीं भगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे रखे, ये मीटर को हमने यहाँ लगाए, गाड़ी भी ऑन है, वोल्टेज 0/0 है, एक भी वोल्टेज नहीं है।
गाड़ी का ड्रम भी खराब है। बैक गियर दिखाओ, ये देख सकते हैं गाड़ी का ड्रम भी खराब है। ये भी ऐसे मार रहा है, डांस कर रहा है गाड़ी, गाड़ी का ड्रम भी खराब है। तो ये देख सकते हैं, ये आ रखा था मेरे पास, इसका बॉडी शॉट भी भग गया, गाड़ी भी चल गया। आप ड्रम कहीं पे भी आप ये बंदे चेंज करवा सकते हैं। ये है काम, ठीक है। ये भाई साहब कहाँ से आया, कहाँ से? भजनपुरा। भजनपुरा, हाँ। चलो इधर आ जाओ, जमुनापार। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। आप कहाँ से आए थे भाई? जमुनापार भजनपुरा से। तो आप कहाँ से आए भाई साहब? भाई जमुनापार से आए, भजनपुरा से। तो आपको यहाँ कौन भेजा आया था काम करो? उन्होंने भेजा था भाई, अब्दुल जो है वहाँ पर चले जाओ। अब्दुल नाम का मिस्त्री है एक, उन्होंने भेजा था। हाँ, वो अब्दुल नाम का मिस्त्री है, बोला था कि वहाँ चले जाओ, वो कर देंगे सही। तो अब्दुल सर तो ऊपर है, मैं उसका चेला हूँ, मैं उसके पास काम सीखा हूँ। वो बताया ऊपर से कि इसका जो प्रॉब्लम है, जा करके उस वायर को देख, वहीं पे कोई फॉल्ट है। फिर मैं आया वहाँ, देखा वही फॉल्ट था। तो अब्दुल सर का काम आपको कैसा लगा? बॉडी शॉट भग गया तो, और आपने मिस्त्री को पूछे थे, मिस्त्री क्या बताया था आपको? इतना तो आता ही रहता है। हाँ, इतना 48 वोल्ट आता ही रहता है गाड़ी में, 48 वोल्ट आना नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर में। तो आप देख सकते हैं, ये भाई साहब ने बताया, तीन बार खुलवा भी चुका था गाड़ी के अंदर में, 1500 रुपए भी लगवाया था। ये गाड़ी सही नहीं हुआ था, तो ये फिर से अब्दुल सर के पास लेके आए, अब्दुल सर का नाम लिए, और ये गाड़ी ये आया यहाँ पे। अब ये ठीक हो गया, टनाटन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर में। ये गाड़ी का अभी तक में नंबर प्लेट भी नहीं आया, और ये गाड़ी चार कंट्रोलर को फूक दिया, उड़ा दिया है, चार कंट्रोलर को जला दिया, ऐसे जलाया है, उसका एक भी पार्ट पुर्जा बचा ही नहीं। तो ये देख सकते हैं अब गाड़ी तो एकदम, बॉडी शॉट भी भग गया। अब ये बंदा लेकर के गाड़ी को जाएगा। आपका गाड़ी टनाटन है भाई? बिल्कुल टनाटन है। तो चलिए, अब्दुल सर का नाम तो आप बताइएगा बाहर जाकर के, क्या भाई मिस्त्री है, करो भाई। चलो ठीक है, पीछे करो, गाड़ी निकालो। तो ये देख सकते हैं गाड़ी एकदम बैक बैक बैक। अच्छा, एक मिनट, चलो ठीक है, ये देख सकते।